और ये मैंने आपके सामने समुद्र वाला भाग बनाया है। ये समुद्र और ये पार्ट है जो अपन कहें स्थल वाला है, ये स्थल है। ऊपर दो तीन लाइन छोड़ी है ऊपर, ध्यान रखना। ऐसा एक दूसरा चित्र बनाया, और ये स्थल भाग और ये भाग अपने कहा समुद्र। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तो आसानी से आप बता पाओगे कौन सी स्थल समीर है और कौन सी समुद्री समीर है। ऐसे दो चित्र बना लें और साथ में इससे प्रश्न मूल रूप से दो ही तरीके से होता है, कौन सी दिन में चलती है और कौन सी रात में चलती है। अब आप एक का कंसेप्ट दिन है, एक का रात है, कोई से को भी लिख ले वही कंसेप्ट अपने सामने आ जाएगा। देखिए आपके सामने मैंने इसको लिख दिया दिन, तो यार दिन में कौन सी रहेगी। देखिए आप देखिए एक बार ध्यान दें आप बोर्ड पे, फिर आप उसमें लिखना। दिन के समय सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय होने के बाद 8-9 बजे तक सूर्य की उष्मा धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो धीरे धीरे दिन के समय स्थल भाग पे भी उष्मा आ रही है, जलीय भाग में भी उष्मा आ रही है। लेकिन जल्दी कौन सा गर्म होता है? स्थल। स्थल क्यों गर्म होता है जल्दी? जल क्यों नहीं होता? स्थल भाग पे सूर्य की जो उष्मा है प्रत्यक्ष रूप से, वो स्थल भाग पे लगभग 1 मीटर की गहराई तक की जाती है। और स्थल भाग है ये सही मायने में उष्मा का कुचालक है, जो गहराई तक नहीं जाती उष्मा। और जलीय जो भाग है उसमें कम से कम 16 से 17 मीटर की गहराई तक जाती है। कहां तो 1 मीटर स्थल भाग में, और समुद्र में कितनी गहराई तक? 16-17 मीटर। इसका मतलब जो उष्मा आ रही थी वो सीधी स्थल भाग पे तो ज्यादा इफेक्ट कहां कर रही है? 1 मीटर। और इस पे कितना? 16-17 मीटर। तो 16-17 मीटर मोटी जो जल की परत है वो एक साथ गर्म होती है, इसलिए वो जलीय भाग क्या है? धीरे धीरे गर्म होता है, और स्थल भाग तेजी से गर्म होता है। तो दिन के समय स्थल भाग क्या हुआ? तेजी से गर्म, और गर्म हुआ तो टेम्परेचर क्या हुआ? हाई। टेम्परेचर हाई दिन के समय। और यह भी आपने पहले लिखा हुआ है, तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध पाया जाता है। तापमान टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो, सही है। लेकिन यहां जितना टेम्परेचर है इतना टेम्परेचर समुद्र में नहीं है, तो यहां टेम्परेचर क्या है? लो। तो यहां प्रेशर क्या होगा? हाई। भाई स्थल भाग जितना गर्म हुआ उतना समुद्र गर्म नहीं हुआ, यह तेजी से गर्म हुआ, तापमान अधिक था तो वायुदाब कम है, यहां तापमान कम है तो वायुदाब ज्यादा है, और पावने कैसे चलेंगी? उच्च वायुदाब से। तो दिन के समय प्रेशर हाई यहां है और यहां प्रेशर लो, तो किधर से चलेंगी? समुद्र की तरफ से। देखिए इस तरीके से तीर बनाया, ये अपन कहे प्रेशर हाई है, टेम्परेचर लो है, ठंडी है। धरातल के पास पहुंची तो धरातल कैसा है? गर्म। और जैसे गर्म सतह के संपर्क में आई वायु गर्म हुई, और गर्म होके फिर क्या होगी? ऊपर उठी।
और ऊपर उठते हुए ठंडी होकर वापिस यहां उतरी और फिर ये एक चक्कर लगा रही है। चल कहां से रही है? समुद्र की तरफ से। जहां कहां रही है? तो नामकरण कैसा होता है? चलने वाले स्थान से, तो चल रही है समुद्र से, इसलिए कौन सी समीर? समुद्री समीर। इसका मतलब दिन के समय कौन सी समीर चलती है, कब चलना शुरू होती है? ये प्रातः लगभग 8 से 9 बजे से और सायं 7 से 8 बजे तक। ये स्थिति रहती है।